ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदिकुंदादेव जिन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारिकं प्रदानं सर्व धर्मानां दिनं जयतु शासनम्। वंदितु सभ्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुर मृणमोषधि केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते किस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचिते अनंतधर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्येगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। अष्टानिका महापर्व का मंगल अवसर है। कल हमने समय सार ग्रंथादिराज अपने स्वाध्याय के क्रम में प्रारंभ किया था और थोड़ी सी समर अधिकार की भूमिका के रूप में अन्य अधिकारों की चर्चा की थी। आइए हम समर अधिकार की स्टार्टिंग की गाथा लेंगे। उसके पहले एक कलश है अमृत चंद्राचार्य ने जो प्रस्तुत किया है, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर अवकाश होगा तो गाथाएं प्रारंभ करेंगे। आपके पास जिनवाणी हो तो आप समर अधिकार की पहले नंबर का पेज खोलेंगे। अथ प्रविशति संबरा आ संसार विरोधी संबर जय कांता विलेपता श्रवा न्यंकारात्तिलब्धिनीति विजयम् संपादय संबरम् व्याघ्रतम परिरूपितो नियमिता सम्यक्स्वरूपे स्फुरै ज्योतिश्चिन्तमयम् उज्ज्वलम् निज रसस्वाग भारी मोज्यम् व्रते। मोहराग रुष दूर करी समति गुप्ति व्रत पार संवर मय आत्म कियो नमु ताहि मनि धार। संवर विकार है और अमृत चंद्राचार्य हर अधिकार के प्रारंभ में और अंत में सम्यक ज्ञान की वंदना करते हैं, उसको याद करते हैं। क्योंकि जैसे कोई लोहार होता है और वो लोहे का काम चालू करता है, सबसे पहले किसकी पूजा करता है, है? कि वो जिन औजारों से वो काम प्रारंभ करता है उनकी पूजा करता है। अथवा जो वो होता है ना कारपेंटर, वो कारपेंटर क्या करता है, वो भी सबसे पहले अपने औजारों की पूजा करता है। तो मैं कोई औजारों की पूजा करने की प्रेरणा नहीं कर रहा, नहीं तो आप सोचो कि ये गृहित मिथ्यात में डालने लगे। मैं तो आपको अमृत चंद्राचार्य की उस तरह की चेष्टा बता रहा हूँ कि वो सबसे पहले उस सम्यक ज्ञान का अभिनंदन करते हैं जो सम्यक ज्ञान हमें मुक्ति तक की यात्रा कराता है। और वो ही हमारे पास है जो ज्ञान है, इसलिए वो सबसे पहले उस ज्ञान का अभिनंदन करते हैं हर अधिकार के पहले और बाद में। क्योंकि वो ही नहीं होता तो आपको इस नाटक का जो मंचन चल रहा है उसकी सही थीम कौन बताएगा, कि जो सामने नाच रहा है वो सही में नाचने वाला है कि नाच को जानने वाला है। इसलिए सबसे पहले उस ज्ञान का अभिनंदन किया। देखो अपन इस कलश में पढ़ते हैं। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब संवर प्रवेश करता है, आश्रव की रंग भूमि में से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंग भूमि में प्रवेश करता है। क्या कह रहे हैं, प्रथम टीकाकार आचार्य देव, मतलब ये जो उत्थानिका है और अधिकारों का डिवाइडेशन है और गाथाएं कौन सी कौन के बाद आनी चाहिए ये सब कौन ने की भैया,
ये किसने डिसाइड किया कि ये गाथा के बाद ये गाथा आनी चाहिए, इस गाथे के ऊपर ये उत्थानिका लिखनी चाहिए, ये कौन ने डिसाइड किया? चिन्मय भैया कौन ने किया ये सब डिसाइड? ये सब अमृत चंद्राचार्य की कला का कमाल है। कुंद कुंदाचार्य ने तो 415 गाथा, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा हमने 415 गाथा लिखी। वो तो एक गाथा लिखते थे और वही कोटर में छोड़ जाते थे। संभालने वालों ने उन 415 गाथा को संभाला और वो संभलती संभलती 1000 वर्ष तक आई, और 1000 वर्ष बाद अमृत चंद्राचार्य के हाथ लगा वो समय सार। फिर ये गाथा इसके बाद होनी चाहिए, ये क्रम ऐसा होना चाहिए, ये सब डिसाइड अमृत चंद्राचार्य ने किया। इसलिए लिखा है कि प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब संबर प्रवेश करता है। चिदानंद भैया अभी कैसे पता चले कि ये संबर अधिकार की गाथा है? इसमें संबर की चर्चा है, इसमें निर्जरा की चर्चा है, ये सब अमृत चंद्राचार्य का कमाल है। उनने फिट किया उनको यहाँ पे कि ये गाथा यहाँ आनी चाहिए, ये गाथा यहाँ आनी चाहिए, इसका रिलेशन इससे है, इस गाथा के बाद ये गाथा आनी चाहिए, मतलब छठवीं गाथा छठवें नंबर पे आनी चाहिए, ये कौन ने डिसाइड किया? और ऐसा भी नहीं है कि कुंद कुंदाचार्य ने ये गाथा इसके बाद लिख के ऐसी रखी हुई कि नहीं इसके बाद यही आनी चाहिए। अरे वो तो स्वरूप में केली करने वाले दिगंबर संत हैं, उन्हें तो जैसा आनंद आया होगा वैसा लिखा गया होगा, जैसी उस समय अधिक भाव चलता होगा वैसा परिणाम चलता होगा। लेकिन यहाँ अमृत चंद्राचार्य ने कमाल किया। अब देखना वो क्या कहते हैं कि अब संवर प्रवेश करता है। कल अपन ने चर्चा की थी ये सारा ग्रंथ नाटक की शैली में है ना, तो अभी पिछले अधिकार में कौन निकल गया? आश्रव निकल गया, वो लिखा है वहां पे इति आश्रव निष्क्रांत, आश्रव निकल गया। अब कौन आ रहा? अत प्रवेशति संवरा, अब संवर प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? रंगमंच में, बराबर है। अभी अपन ने दिवाली मनाई, अभी ये वैष्णव संस्कृति है उसके हिसाब से रामचंद्र जी वापस लौटे है ना, इनका कहना ऐसा है, और दशहरा के दिन उनने उनको मारा। अब जब रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके वापस लौटे तो रावण जिंदा बचा कि नहीं? जिंदा बचे तो रामचंद्र जी का गृह प्रवेश हुआ होगा कि नहीं? नहीं होगा। विजय का अर्थ ही है सामने वाले को मरना चाहिए, ऐसे ही संवर के प्रवेश का अर्थ है आश्रव का नाश होना चाहिए। यदि आश्रव का नाश नहीं हुआ तो संवर का प्रवेश नहीं हुआ। समझ में आ रहा भैया? इसलिए अत प्रवेशति संवरा लिखा, जब आश्रव गया तभी संवर आया। अभी मालूम भैया संवर किसे कहते हैं? संवर अपन सब उसको सम्यक दर्शन नाम देते हैं, उसका नाम है संवर, ठीक है ना। यदि आकुलता निराकुलता से कहे तो निराकुलता का नाम है संवर, सुख दुख से कहे तो सुख का नाम है संवर, धर्म अधर्म से कहे तो धर्म का नाम है संवर। समझ में आता भैया? गुणस्थान से कहे तो चौथे गुणस्थान से है संवर, चौथे गुणस्थान के नीचे संवर है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये संवर जो धर्म है इसके पहले धर्म नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप ही बताओ क्या कर रहे हैं? अभी इसके पहले धर्म भी नहीं है। और पता है यदि संवर का लक्ष्य नहीं है तो हम उसे व्यवहार धर्म भी नहीं कहेंगे, पात्रता भी नहीं कहेंगे। अपने बाबूजी कहते थे भैया कि यदि तुम्हें आत्मानुभूति नहीं हुई तो तुम यहाँ की घंटी बजाओ चाहे शंकर के मंदिर की घंटी बजाओ, सब बराबर है। आपको ऐसा लगता होगा, आप ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि मालूम है हम जिस संप्रदाय में जन्मे हैं, हम यदि उस संप्रदाय की तरफ से भगवान के पास आ रहे हैं तो हम सिर्फ संप्रदाय का पोषण कर रहे हैं बस। और यदि हम स्वानुभव के लिए आत्मानुभूति के लिए आ रहे हैं तो हम संप्रदाय का पोषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आत्मानुभूति जैन दर्शन के अलावा कहीं उपलब्ध ही नहीं है। और आप देख लो, मैं वहां नहीं जाना चाहता, जो गृहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं वो जिन देवी देवताओं को पूजते हैं वे एक भी अंतर्मुखी नहीं है, सब बहिर्मुखी है, वो बहिर्मुखता से स्वानुभूति नहीं होती। इसलिए जिन्हें संवर चाहिए हो वे सबसे पहले देवसाध गुरु के पास आए, लेकिन किस लक्ष्य से आए? इस लक्ष्य से कि हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। और फिर उससे भी देखना, अकेले संवर चाहिए नहीं, पूर्ण दशा चाहिए, जिसको पूर्ण दशा चाहिए उसको संवर मिलेगा,
जिसको संवर चाहिए उसको संवर भी नहीं मिलेगा, लेकिन जिसको संवर भी नहीं चाहिए उसको क्या मिलेगा, उसको बंध मिलेगा। इसलिए पहले आश्रव जाएगा तब संवर आएगा, पहले बाद मतलब समकाल होगा, यहाँ संवर का आना और यहाँ आश्रव का जाना, ठीक है ना। अब चूंकि ये ग्रंथ है तो इसको रंगमंच बना के बोलते हैं। अब संवर प्रवेश करता है आश्रव के रंग भूमि में से बाहर निकल जाने के बाद, अब संवर रंग भूमि में प्रवेश करता है। एक दूसरी चीज देखना भैया, अपन सबको अनुभव चाहिए लेकिन राग से तकलीफ नहीं है, सबको अनुभव चाहिए लेकिन राग से तकलीफ नहीं है। तो राग से यदि आपको तकलीफ नहीं है तो राग से जुदा आश्रव कौन है फिर जिससे आपको तकलीफ है? बोलो बाबू जी कौन है फिर राग से जुदा आश्रव? इसलिए टोडर मजी साहब ने लिखा है, जिसे राग बुरा नहीं लगता उसे संवर अच्छा नहीं लगता। अहितकारी चीज अहितकारी नहीं लगे तो हितकारी के लिए क्यों वो प्रयास करे, समझ में आता भैया? और इसलिए वो हितकारी के लिए प्रयास नहीं करेगा तो अहित अहित नहीं लग रहा उसे, और अहित अहित नहीं लग रहा और हितकारी के लिए प्रयास कर रहा है तो पंडित साहब ने लिखा चतुराई की बातें बना रहा है। और आप देख लो सबको सहानुभूति चाहिए तो बताओ आपको राग की कितनी तकलीफ है, आपको राग कैसा लगता है? गुरुदेव तो काला नाग कहते थे, काला नाग समझते क्या कहलाता है? आपके घर में कोई दिन नाग घुस जाए रात में तो कितनी देर सोओगे? हैं? अरे ऐसे कहते नहीं, सब दो तरह पे भिन्न भिन्न सो। बताओ जब तक आपके कमरे से बाहर नहीं निकल जाएगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। ऐसे ये मिथ्या रूपी काला नाग, मोह राग द्वेष रूपी काला नाग जब तक आपकी परिणति से नहीं निकल जाएगा तब तक आपको आनंद की नींद नहीं आने वाली। लेकिन जीव को सम्यक दर्शन तो चाहिए पर राग बुरा नहीं लगता, कसाय बुरी नहीं लगती। और कसाय बुरी नहीं लगती तो टोडा बजी साहब ने लिखा है देखा देखी मोक्ष को अच्छा कहता है, मोक्ष को अच्छे से जानता नहीं है। क्योंकि मोक्ष को जानने का अर्थ ही है कि जिसे मोह राग देश में तकलीफ होती है उसके अभाव में होने वाली वीतरागी पर्याय जिसको उपाधेय हो उसको कहते हैं उसको मोक्ष ही चाहिए, नहीं तो उसको मोक्ष ही नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आश्रव के रंगभूमि में से बाहर निकल जाने के बाद अब संवर रंगभूमि में प्रवेश करता है, ठीक है। ये तो थानिका थी, देखो आगे पढ़ते। यहाँ पहले टीकाकार आचार्य देव सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण कहते हैं। क्या कह रहे भैया? कि सर्व स्वांग को जानने वाले, अभी रंगमंच पर कोई भी आता है और दिखाता है जो भी खेल, तो जो नीचे दर्शक बैठा होता है वो खेल देखता है कि खेल खेलता है? भैया वो खेल देखता है कि खेल खेलता है? आपको पता है ओरिजिनल दर्शक होवे ना तो प्रभावित नहीं हो किसी से, वो किसी से प्रभावित हो जाए तो ओरिजिनल दर्शक ही नहीं हो। इसलिए वो जो ज्ञान है वो सब स्वांगों को जानता देखता है। कौन कौन से स्वांगों को? कि पुण्य पाप के स्वांग को भी जानता है, आश्रव के स्वांग को भी जानता है, संवर के स्वांग को भी, संवर के स्वांग को भी जानता है, और निर्जरा और मोक्ष के स्वांग को भी जानता है। कौन? सम्यक ज्ञान। ये मालूम इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो वो उन भाव रूप नहीं होता इसका नाम है जानना, और दूसरी बात वो ही जानता है कि संवर कैसा है। एक ज्ञान के अलावा ना कोई संवर को पहचानता है और ना आश्रव को पहचानता है। अभी देखो इससे एक प्रैक्टिकल निकलता है, आपने छोटे से बच्चे को देखा भैया? छोटे से बच्चे को वो आग से खेलता है कि आग से डरता है? है? बोलो, डरता है नहीं डरता? डरता बाद में, पहले खेलता है, पहले खेलता है बाद में डरता है। तो उसे कौन ने डराया? वो पहले नहीं डरता, पहले खेलता है उससे। फिर डरना कब चालू होता है उसका? जब उससे ज्ञान हो जाता है कि अरे ये खतरनाक चीज है, इसमें तो वेदना होती है, इसमें तो आकुलता होती है, तो बच जाता है। तो बताओ उसे आग से कौन ने बचाया? उसके ज्ञान ने। अब देखो कितने चतुर हैं हम। अब हम ज्ञान नहीं कह रहे, अनुभव कह रहे।
और श्री गुरु कहते कि आत्मज्ञान का नाम ही अनुभव है, तो कहते नहीं, जीनी कहलाता अनुभव, अनुभव कुछ विशेष होता है। आपको पता चला, मतलब उस बच्चे को एक बार ज्ञान हुआ और उसके बाद वो गलती नहीं कर रहा, तो उसका नाम अनुभव पड़ गया, उसी ज्ञान का नाम अनुभव पड़ गया कि वो दोबारा गलती नहीं कर रहा। तो यहां पर हम दोबारा गलती नहीं करें तो हम उस ज्ञान को अनुभव कह दें, तो तुम उस ज्ञान को अनुभव मानने तैयार नहीं। समझ में आता है, ऐसा जोरदार है ज्ञान, पूंजी है पूंजी। और पता है आज इतना गंदा जमाना है, सबसे ज्यादा बर्बादी किसी चीज की हो रही है तो उसका नाम है ज्ञान। पहले माना है, पहले वो गेम होते थे आउटडोर गेम, पंडित साहब आउटडोर, आउटडोर गेम में इतना माथा नहीं पसता था, फिजिकली ज्यादा काम होता था, और अब सारे इंडोर गेम हो रहे हैं। तो बताओ इसमें क्या लगता है, सबसे ज्यादा ज्ञान बर्बाद हो रहा है। गूगल सर्च पहले कितना आसान था कि एक मिनट में भैया से चिन्मय भैया यहाँ से वो कितनी किस तरह जाना पड़ता तलवंडी, पंडित साहब ऐसे चले जाओ, अब गूगल ये गली में मुड़ो, इस गली से यहाँ घुसो, उस गली से यहाँ जाओ, उस गली से वहाँ जाओ। अभी हम पुणे गए एक बार, तो वो उसमें टैक्सी में थे, ओवर टैक्सी है जो भी हो, ओला फोला पे, तो वो लगा के रखा। अब वहाँ पे जानकार था जय कुमार जी साहब, तो बोला देख, बोले भाई साहब देखिए अपन को इधर सामने जाना है, इधर ये यू ले जा रहा है, ऐसे घुमा के यहाँ लाएगा 2 किलोमीटर और जाना यहाँ सामने। बोले अपन इससे नहीं जाएंगे, अपन सीधे जाएंगे, तो सीधे पहुंच गया वो। अब बताओ गूगल के चक्कर में कितना उपयोग खराब कर रहा। आपने आइंस्टीन का नाम सुना, आइंस्टीन का कौन था, हु इज आइंस्टीन, प्राचीन आचार्य आचार्य का नाम नहीं पता होगा लेकिन आइंस्टीन का पता होगा। तो आइंस्टीन कौन था भैया, साइंटिस्ट नहीं, ऐसा कहते हैं कि उस जैसी बुद्धि विश्व में किसी दूसरे की नहीं थी। और ऐसा नहीं है मतलब बाद में उसके खोपड़ी का वो भी किया गया, तो है ना, किया गया उसका एनालिसिस क्या कहलाता है, तो उसका बाद में निकला तो बोले सचमुच उसकी जैसी दूसरी कोई की खोपड़ी नहीं थी। जयकुमार जी मालूम वो क्या कहता था कि जो चीज किताब में उपलब्ध हो ना उसको माथे में नहीं रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो चीज किताब से पढ़ी जा सकती हो, जिसके बारे में किताब से मालूम किया जा सकता हो, उसको माथे में नहीं रखना चाहिए, माथे पे ज्यादा बोझ नहीं देना चाहिए। माथे पे तो वे बातें रखनी चाहिए जो कहीं लिखी पढ़ी नहीं जा सकती। समझ में आया चिन्मय भैया हमने क्या कह दिया, मतलब अपने दिमाग को कितना रिलैक्स रखना चाहिए। और ये व्यक्ति देखो क्या क्या भर रहा है इतने दिन में, 24 घंटे बर्बाद कर रहा है अपने उपयोग को। अभी पहले एक बार न्यूज़पेपर आता था सुबह, उसमें बासी न्यूज होती थी कोई एक दिन पुरानी, उसको पढ़ के संतोष था। अब अपडेट है, हर 2 मिनट बाद देख रहा है कमलनाथ ने क्या किया, ज्योतिरादित्य ने क्या किया, अमित शाह कहाँ पहुंचे, मोदी जी आज कहाँ पर हैं, तुम्हें क्या लेने देने इन बातों से भैया, एक रोटी भी नहीं देंगे वे तुम्हें, छीन और लेंगे GST लगा के। ना हम तो सिर्फ इस प्रसंग में इसलिए याद कर रहे हैं कि जिस ज्ञान का अमृत चंद्राचार्य ने अभिनंदन किया है उस ज्ञान को तुम किस तरह बर्बाद करने में लगे। आपको एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, उनने तो सम्यक ज्ञान का अभिनंदन किया है, उनने सम्यक ज्ञान का अभिनंदन नहीं किया, जिनने ज्ञान का अभिनंदन किया है उसका नाम है सम्यक ज्ञान, और जो ज्ञान को बर्बाद करने में लगे उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। यही ज्ञान तो सम्यक ज्ञान बन जाता है और यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। तुम इसका सदुपयोग करो तो सम्यक ज्ञान और दुरुपयोग करो तो मिथ्या ज्ञान। और अपन लोक में ये सब बातें करते हैं, अपन दुकान पे बैठे हो और आपका बच्चा बेमतलब की बात में दिमाग लगा रहा हो, फालतू बात में दिमाग मत लगा, व्यापार कर। तो जब फालतू बात में दिमाग लगा दिमाग की बर्बादी कहलाई, और सही काम में लगा तो आबादी कहलाई। ऐसे जो ज्ञान आत्माराधना में लगे वो सम्यक ज्ञान और जो विराधना में लगे वो मिथ्या ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं कि अब सर्व स्वांग को जानने वाले सम्यक ज्ञान की महिमा दर्शक मंगलाचरण कहते हैं। देखो एक बात और कहते हैं, फिर अपन श्लोक पढ़ते हैं कि आपको यथार्थ पता चलना ही चाहिए उसी को ज्ञान कहते हैं, यदि यथार्थ पता नहीं चला तो उसको ज्ञान ही नहीं कहते। समझ में आया, मोह सहित वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, राग सहित वाले ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, राग रहित वाले ज्ञान को ज्ञान कहते।
समझ में आया? अभी जैसे किसी से ही पूछो कि बोलो भैया कौन से शहर में रहते हो, देखा उल्टा है अभी तक आपका लोटा। हम कोटा वोटा में नहीं रहते। अभी मैं आपसे पूछता हूँ दो द्रव्य में कौन सा भाव है, बोलो भाई। तो कोटा और तुम्हें कौन सा भाव है? अब तुम तो कह रहे हो वहां रहते, अब कैसे रहते बताओ? इसको कहते मिथ्या ज्ञान, जो दो द्रव्यों को मिलाकर देखता है, मानता है और अनुभवन भी करता है। नाराज मत हो, अरे जवाब जवाब की बात नहीं चल रही अभी, यहाँ पे मिथ्यात्व की बात चल रही। आप समय सार के सामने जवाब देने के पहले दो बार सोचो, बहुत जवाबदारी है समय सार के बाद। अभी आप रोड पर नहीं पूछा जा रहा है आपसे, ना ही रेलवे की टिकट विंडो पर पूछा जा रहा है कि कहां से कहां तक, इसलिए सोचो उत्तर दो तब। इसलिए हमें उदाहरण हमने सिर्फ इसलिए दिया कि आपका ज्ञान सम्यक तभी कहलाएगा जब वो यथार्थ वस्तु के स्वरूप को जानेगा, मिलावट करके नहीं जानेगा, तब उसको सम्यक ज्ञान कहेंगे, नहीं तो मिथ्या ज्ञान है। देखो अब आगे पढ़ते हैं अपन। श्लोकार्थ असंसार विरोधी संभर जया एकांत अपलिप्त आश्रव न्यक्कारात्, अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संभर को जीतने से जो एकांत गर्वित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है, ऐसे आश्रव का तिरस्कार करने से जिसने सदा विजय प्राप्त की है, ऐसे संभर को उत्पन्न करती हुई पर रूप से भिन्न अर्थात परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों से भिन्न अपने उज्जवल स्वरूप से निश्चलता प्रकाश करती हुई चिन्मय उज्जवल निरावार निर्मल देदीप्यमान और निजरस के अर्थात अपने चैतन्य रस के भार से युक्त अति सहायता से युक्त ज्योति प्रकट होती है, प्रसारित होती है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता अमृत चंद्राचार्य बोर नहीं जाते जय कुमार जी, वो भी बातें लिखते लिखते ये हर बार एक से बढ़कर एक विशेषण लगाते हैं, फिर ये फिर भी ऐसा नहीं लगता भैया बार बार वही लिखते बोर नहीं जाते? जबकि पता है आचार्य परमेश को या मुनिराजों को एक शब्द कम लिखना पड़े तो इतनी प्रसन्नता होती है जैसे गर्भ में आए हुए बच्चे से माँ को प्रसन्नता होती है। एक शब्द नहीं लिखना पड़े तो समझ में आता है, और फिर भी बताओ बार बार आपको ऐसा लगता होगा वो भी कैसे लिख देते हो, कैसा आनंद आता हो उन शब्दों को लिखते हुए। इसी का नाम है टीका भैया, नहीं तो जरूरत क्या थी? कुंद कुंदाचार्य ने लिख ही दिया था, वापस से लिखने की जरूरत क्या थी? कह रहे भैया हम अपने परिणामों को जब अपनी कलम से लिखते हैं तो हमें अपने परिणामों में वो आनंद आता है, इसकी बात ही अलग होती है। और मैं भी आपसे कहूँ आज आप व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज करते हो उतना आनंद आता है जितना पत्र लिख के आता था। बोलो भैया पत्र में क्या आनंद आता था? एक पत्र आता था पहले तो, आज भी दस्तावेज की तरह है। अभी पंडित साहब की सौनुवा पत्रावली निकली, अब किसी में पंडित साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी है, अब बोलो आज मैसेज कर दिया आपने ऊपर से हैप्पी बर्थडे टू यू, तेरा भी नाश हो मेरा भी नाश हो। अभी मैं उस मंदिर में पूजा कर रहा था तो पीछे स्कूल है ना, तो वहाँ पे किसी का बर्थडे होगा, तो सुबह से ही उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही थी सर, बार बार ये दिन आए तुम जियो हजारों साल, बाप रे इतने दुख में भी हजार साल जिए। कैसा लगता है, कैसा मोह है। उधर लिखा है जिनवाणी में सुभग राजा था और वो अपने ही घर की संन्यास में वहीं पैदा हो गया जहाँ मल होता है, और उसके बाद जब उसका बच्चा मारने गया तो उसी मल में जाके घुस गया, तो श्री गुरु ने लिखा बाहरी दृष्टि बाहरी पर्याय दृष्टि बाहरी आसमान जाति पर्याय की दृष्टि, जिस जहां पैदा होता है ये जीव वही रह जाता है। इतने कष्टों में यहां से निकलने की भावना नहीं हो रही, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो एक हजार, बहुत अच्छे तो कितने हजार हो गए टोटल साहब निकालना जरा। पगला पच्चीस ही कितने बच्चे होंगे उनको शुरू से बताओ, अजन्मा था अजन्मा हूं, वो नहीं बताया कौन बताए, पुण्य तो चाहिए, भगवान बनने के लिए पुण्य चाहिए, उसकी विद्या सीखने के लिए पुण्य चाहिए। न जन्मा था ये सोचूंगा
न जन्मा हूँ ये मानूंगा। अब जिस जी विद्या कौन सिखाए और विद्यालय कौन सा है, जैन ही जैन चिन्ह भैया, यही तो विडम्बना है कि विद्यालय जैन है और जैन धर्म की खबर नहीं है। आप चले जाओ, आपके नगर में 45 मंदिर होंगे, मैंने लिस्ट देख ली है वहां पे। अभी 45 मंदिरों में चले जाओ तो दो मंदिर नहीं होंगे जहां जैन दर्शन का परिचय कराया जा रहा होगा। भगवान बैठे हैं बस, और भगवान भी सोच रहे कोई एक आध तो मुझे पहचानने वाला आता, ये कोई मुझे पहचानने वाले नहीं है। बोलो चिन्मय भैया, गुरुदेव का उपकार ख्याल में आता है? चिदानंद भैया बोलो, ये सब गुरुदेव का उपकार है। वो नहीं होते तो हम पहचान भी नहीं पाते कि हम कौन है और श्री जी कौन है। और आप टोड़ा मंजिल साहब का नौमाधिकार पढ़ो, वे तो कह रहे अभी भी मुमुक्षु नहीं पहचान पा रहा अरहंत को, क्योंकि जिसको मोक्ष तत्व की प्रतीति होती है वो अरहंत को जानता है। नहीं तो पंडित साहब ने लिखा है असमान जाति पर्याय को ही अरिहंत कहता है, बता दो। नहीं तो बोलो अभी आपसे, बाबूजी बताओ पार्श्वनाथ भगवान का कौन सा कलर था? आप लोग हेल्पलेस, इतने बुजुर्ग व्यक्ति की भी हेल्प करोगे क्या? जवान की करो तो करो। बोलो कुर्सी वाले भैया, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ का कलर कौन सा था? बहुत विवाद है कोटा में, देखो यही दो फ्रैक्शन दिख रहे, ये कह रहे कलरलेस और वो कह रहे हरा कलर। वो लिखा नहीं है हरियल लाल, बाकी कंचन वरण है, सब नहीं लिखा, आपने पढ़ा नहीं है। बोल भैया ये तो गड़बड़ है, तू बता आजकल आधुनिक समय में पारसनाथ और नेमिनाथ का कौन सा कलर था? सही सही बोलना वरना तेरी टी शर्ट उतरवा दूंगा। बोलो साहब कौन सा कलर था? काला बताया उसने, वो काली पहन के आया, पारसनाथ ग्रुप से है लगता। अब देखो, अब तुम भी पारसनाथ और नेमिनाथ को काला गोरा मानते हो तो तुमने भी तो उनको आसमान जाति पर है माना, समझ में आता भैया? इसलिए गुरुदेव की ऐसी याद आती, आप नहीं होते तो हम भी गुड्डा गुड़िया का खेल खेल के इस पर्याय से फिर चले जाते। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे आप, जैसे गुड्डा गुड़िया के खेल होते ना, शादी विवाह सब होता लेकिन कुछ नहीं हुआ, ऐसे तुम रोज आते पूंजी चढ़ाते धोख देते लेकिन ना तुम्हें भगवान की पता लगती और ना भगवान तुम्हें तुम भगवान हो ये बता पाते। इसलिए गुरुदेव ने सिर्फ आत्मा बस नहीं बताई, एक तरफ पे तो द्वादशांग से परिचय करा दिया। अभी आपकी कमजोरी है कि आपके ज्ञान में द्वादशांग नहीं आ पा रहा, उनने परिचय तो करा दिया अपनी तरफ से। इसलिए भैया एक एक बातों का विचार करना चाहिए, बहुत बहुत पुण्य को उदय है अपना। अभी भैया मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो नंदीश्वर जिनालय है ना नंदीश्वर, ये कृत्रिम है कि अकृत्रिम? बोलो दायदीप रिटर्न, बोलो अकृत्रिम है बराबर, इनको कोई ने बनाया है कि नहीं? बाबूजी कोई ने बनाया है कि नहीं? तुम्हें सोचता रहा कि मैं भी तो अकृत्रिम भगवान, मुझे कौन ने बनाया, मुझे कोई नहीं बना। और देखना अब चेतन भैया वो अकृत्रिम भगवान है तो उनका मंदिर कौन ने बनाया? कोई नहीं बनाया। तो ऐसे यदि मैं अकृत्रिम भगवान हूं तो मेरा ये भी मंदिर अकृत्रिम है, क्योंकि अकृत्रिम भगवान का मंदिर कृत्रिम नहीं होता, कृत्रिम भगवान का मंदिर कृत्रिम होता है। यदि मैं अकृत्रिम हूं तो मेरा मंदिर भी कैसा है? तो फिर ये कृत्रिम मंदिर हमारा है, ये हमारा नहीं है। इसका नाम है नंदीश्वर की पूजा। वे भगवान अकृत्रिम नहीं दिखने चाहिए, ये भगवान भी अकृत्रिम है, इसे किसने बनाया है? और सच बात है, ये जो संबर आएगा ना, ये मुझे भगवान नहीं बनाएगा, ये मुझे देख के खुद भगवान बन जाएगा, क्योंकि मैं तो अकृत्रिम भगवान हूं और ये भगवान बनता है। इसने संबर ने आश्रव को भगाया है और मुझे ना आश्रव को भगाने की जरूरत है और ना संबर को लाने की जरूरत है, ऐसे भगवान है। जीव को मजा आना चाहिए, मजा नहीं आता जीव को। अपने बाबूजी कहते थे, बोले ऐसे सुनता जैसे केरोसिन पी के बैठा हो। ऐसी ताकतवर बातें कहने की ताकत बाबूजी के पास ही थी। आत्मज्ञानी का बल दूसरा होता है भैया,
आपने एक चीज देखी होगी, आत्मज्ञानी चापलूस नहीं होता। आप इतिहास उठाकर देख लो, गुरुदेव जी ने जीवन में कभी किसी की चापलूसी नहीं करी। बड़े बड़े हुकुमचंद सेठ जैसे लोग आए, वो वही मुंह के सामने धूलिया सेठ कहते थे, ऐसे बाबूजी थे, जो लगता था वो कह देते थे, तुम्हें पसंद आए तो ठीक। ऐसे अपने बड़े पंडित साहब हैं, आपको नहीं सूट करता आप जानो, लेकिन मैं आपके मुंह को सूट करे बिना नहीं रहूंगा, मैं तो सूट करूंगा आपके मुंह को। ज्ञानी मोह का पोषण नहीं करते, ज्ञानी मोह का अभाव करते और अभाव करने की प्रेरणा देते। इसलिए भैया क्या कह रहे हैं, पढ़ो फिर से। अनादि संसार, देखना धीरे धीरे पढ़ना चालू करता हूं। अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संबर को जीतने से जो एकांत गर्भित अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है। देखना भैया यहाँ दो की चर्चा है, संबर की और आश्रव की। आश्रव और संबर के बीच में कौन सा संबंध है? आश्रव और संबर के बीच में कौन सा संबंध है, पढ़ के बोलो। मोदी और राहुल के बीच में कौन सा संबंध है? अब उन दोनों के बीच में कोई संबंध है कि नहीं? और बड़ा आश्चर्य कि विरोधी भी कोई संबंध होता है है भाई, ऐसा मत बोलो। अभी यदि आप कहते कोई संबंध नहीं तो अमृत चंद्राचार्य और आपके वचन विरुद्ध हो जाएंगे। लिखा उन्होंने साफ, अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संबर को जीतने से जो एकांत गर्भ अत्यंत अहंकार युक्त हुआ है। अब बताओ बाबूजी, आप बताओ आश्रव में और संबर में कौन सा संबंध है? विरोधी है। अब ये पचाना बहुत मुश्किल पड़ेगा, कहते थे विरोधी है विरोधी है, ये पचाना बहुत मुश्किल। अभी आश्रव में और संबर में कौन सा तत्व, कौन सा संबंध है भैया? विरोधी है, बराबर है ना। और अभी हमने आपसे कहा था कि संबर धर्म है, अभी आते साथ शुरू में कहा था, तो आश्रव क्या निकला? धर्म का अधर्म निकला ना, धर्म का विरोधी। अब आप नाराज नहीं हो, एक फटाका फोड़ता हूँ फिर आगे चलता हूँ। तो अभी आप जो पूजा करके आए धर्म करके आयो क्या, धर्म क्या करके आया? हमें मत बताओ, आप ही बताओ। अभी आप जो पूजा करके आ रहे हो सीधे सीधे यहाँ पर, बोलो बाबू जी, आप तो नीचे प्रक्षाल भी करके आए हो, कौन का धर्म का क्या धर्म का? तो समझ में नहीं आएगा, इतनी पूरी सभा ने सुन लिया, आपको अभी तक समझ में क्यों नहीं आया? कहाँ खो गए थे? अभी देखो वो वाली बात बाद में करेंगे, पहले संबंध तो विराजमान कर लो। आपका आपकी श्रीमती से कौन सा संबंध है? पहले संबंध फिर उखाड़ो, पहले विराजमान करो फिर उखाड़ो। ये टोडा मजी साहब की शैली है, तूने जो कहा तो शाबाश, उसके बाद परंतु, पहले परंतु लगा दिया तो बातचीत की गुंजाइश भी नहीं निकली। संबंध नहीं होता तो तुम अनादि संसार से भटक नहीं रहे, संबंध है। अभी पता भैया आज हम लोग ये गलती भी कर रहे हैं, रोग पता लगाने के पहले निरोगी हैं, निरोगी हैं और मर उसी रोग से रहे, तो पहले रोग तो पता लगा लो कौन सा रोग है। रोग नहीं होता ये पता, आप टोडा मजीद साहब को पढ़ना, टोडा मजीद साहब ने लिखा है कर्मों में दुख देने की शक्ति है। निमित्त प्रधान कथन है, दुख देने की शक्ति है, कर्मों में बांधने की शक्ति है। यदि शक्ति नहीं होती तो पंच परमेश्वरी भगवान इनको जीत के मोक्ष क्यों जाते, यही रह लेते ना। बोलो भैया, अभी अपन इन बातों को ध्यान नहीं देते। और आपको मालूम नहीं है, एक कर्म बन जावे ना तो जीव को वो सहन करके ही जाना पड़ता जो भी कर्म बांधोगे। देखो सीता वगैरह की लाइफ में एक कर्म बन गया वर्ण बात का, पूरा जीवन खराब कर दिया। हमारे जगह एक बात कहते हैं कि सीता ने अवर्ण बात किया माताजी और महाराज जी का, जो कि सगे भाई बहन थे, कोई कारण से बात कर रहे थे। और चिन्मय भैया उसने अवर्ण बात समझ लो सुबह 7 बजे किया, तो अवर्ण बात कितनी देर बाद दूर भी कर दिया था उसने, क्षमा मांग ली थी, क्योंकि वो मुनिराज और आरिका तो प्रतिज्ञा लेकर बैठ गए थे कि जब तक अवर्ण बात दूर नहीं होगा हम आहार नहीं लेंगे।
बाद में हार भी हुई उनकी, तो कितनी देर लगी होगी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में चेतन? घंटे दो घंटे लगे होंगे, वो फैला कर गई होगी, लौट के आई होगी, जब तक किसी ने कहा कि देखो तुम गड़बड़ कराए हो, महाराज जी माता जी बैठे हुए हैं, वो हार भी नहीं ले रहे हैं, तुम जाओ जल्दी, क्षमा मांगने आ गई। अब सोचो घंटे दो घंटे की कर्म बंधन ने एक जीवन पूरा खलास कर दिया। वो जिस दिन से घर से निकली है घर पर रह नहीं पाई, और घर पे आई तो धोबी ने निकाला बाहर। तो कौन की वाइफ है? अमित शाह की नहीं, मोदी की, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ अयोध्या कौन थे? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी की श्रीमती थी, और उसको धोबी कह रहा है कि भैया इन्हें रख लिया है, निकालो इसको बाहर। सोचो भैया कहाँ क्रोदय कहाँ आते हैं। इसलिए तुम गफलत में मत रहना कि हम सुबह शाम यहाँ आके घंटी बजाते हैं और बाद में समय सार पढ़ते तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तुम 24 घंटे जिन परिणामों से गुजरते हो वो परिणाम तुम्हारा कल्याण और अकल्याण डिसाइड करेंगे। जैसे गुरुदेव श्री कहते थे, आप पोपा भाई नु मार्ग नहीं भाई, तो पोपा भाई का मार्ग नहीं है कि तुम आओ, जैसे होता ना यहाँ पे कि वो आए, जजमान आए, सामग्री रख गए, पुजारी ने पूजा जजमान जी की तरफ कर दिया और पूरा पुण्य किसको लग गया? जजमान जी को। जो जैन दर्शन है, यहाँ मेहमान बन के आओगे तो मेहमान जैसा पुण्य पाप लगेगा, और जजमान बन के पूजा करोगे तो जजमान जैसा पुण्य पाप लगेगा, और इन सबको भिन्न जिज्ञासा दृष्टा देखोगे तो मोक्ष होगा। समझ में आता है? अभी वापस आओ तो आश्रव में और संवर में कौन सा संबंध है? विरोधी है। एक धर्म है एक अधर्म है। तो अब गुरुदेव श्री ने कहा स्वभाव में धर्म न थी, तो क्या गलत कहा? क्या गलत कहा? वो पता भैया संवर धर्म है। देखना पंक्ति क्या लिखा है, अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संवर को जीतने से, मतलब बताओ अनादि काल से कौन पिट रहा है? कौन पिट रहा अनादि काल से? संवर पिट रहा, धर्म पिट रहा है और अधर्म की चल रही है। समझ में आता है? धर्म पिट रहा है, अधर्म की चल रही, और धर्म पिटने का अर्थ हो रहा है जीव अनंत दुखी हो रहा है। धर्म पिटने का अर्थ दुखी होना, और आश्रव की चलने का अर्थ दुखी होना, सुखी नहीं होना, और संवर की जीत अर्थात सुखी होना, और आश्रव का पिटना अर्थात सुखी होना। समझ में आता भैया? अभी ये सब बातें लगती है, पिट ही रहा है धर्म, पिट रहा है धर्म का काम नहीं चल रहा। गुरुदेव श्री कहते थे जिस समय वो उनका स्वाध्याय चलता था ना, बोले इंदौर में एक बिल पास हुआ है समाज की संसद के बीच में कि जो कर्म में जो पुण्य भाव में धर्म नहीं मानता वो जैनी ही नहीं है। बोले ऐसा, बोले पूरा संसद बैठी जैनियों की, और उसमें बिल पास हुआ कि जो स्वभाव में धर्म नहीं मानता वो जैनी ही नहीं लगता है। जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं मानता वो जैनी ही नहीं। अब लगता है कहां से बातें मिल गई है, अनादि संसार से क्या चल रहा है। अभी पता मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि चर्चा संवर पर है, नहीं तो आपको बताएं कि आप अनादिकाल से वही बेवकूफी कर रहे हो जो इस बार फिर करने तैयार। कुछ नया नहीं हो रहा है, यदि संवर नहीं हो रहा है तो वही सब हो रहा है जो अनादिकाल से होता आया है, नहीं तो फिर अनादि संवर अनादि आश्रव क्या कहलाता? मोह राग रुष दुखी खान, और ये मोह राग देश की उत्पत्ति का नाम आश्रव है, और आश्रव आता है और ये उसके साथ चिपकता है तो बंद होता है, तो अनादि काल से आश्रव बंदी तो हो रहा है। और कुंदकुंदाचार्य ने भी लिखा है एक जगह इसी समय सारे, बताओ फाइनेंस मिनिस्टर बोलो, अब मुझे तुम्हारा पता ही नहीं स्टडी कह रहे हो तो फाइनेंस मिनिस्टर ही कहूंगा क्योंकि ये फाइनेंस में कुछ स्पेशलिटी कर रहा है। मैं तो इस बात की स्पेसिटी कर रहा हूँ जय कुमार जी की फाइनेंस में सुखी नहीं है। बोलो कहाँ लिखा है? सुत परिचिदाणु भूदा सबस्य काम भोग बंधन कहा एयत शुभ लंबो लबड़ी सुलहो बिहत, कि इस जगत को काम भोग बंधन की कथा क्या लिखा? सुलह है। सुलभ शौचालय होते हैं साहब, उनका मालिक नहीं होता कोई,
ऐसी सुलभ है। कामुक बंधन की कथा सुलभ है और क्या लिखा है, परिचित है और स्वानुभूत है। समझ में आता है कितना आश्चर्य होता, जो सुलभ है उसके पीछे पड़ा और जो दुर्लभ है उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। समझ में आता, मैं भी ज्यादा स्वभाव की सुबह सुबह ठुकाई के मूड में नहीं हूं, नहीं तो हम सबकी लाइफ तो उसी में खत्म हुई जा रही है। और अब तो आश्चर्य होता है कि उसमें भी खत्म नहीं हो रही, अशुभ में खत्म हो जा रही। मंदिर भी नहीं आता, आपके कितने अच्छे अच्छे जिनालय है बताओ, चार आदमी प्रक्षाल वाले भी नहीं है। कसाय में मंदिर बनते जा रहे हैं नए नए, हमारी तुमसे नहीं बनी, हम नया मंदिर बना देंगे। अरे लेकिन पुराने मंदिर का क्या होगा भाई, तुम दो लोगों की कसाई के पीछे भगवान को कोई धूल भी नहीं अलग करेगा भगवान की। सच में आता है इतनी बुरी कसा है। मैं मालूम आपसे फिर कहता हूं, मैं सब जगह कह रहा हूं ये बात, सिर पर कोई ना कोई गुरु को रखिए, सिर पर किसी ना किसी गुरु को रखिए, नहीं तो कसाय तुम्हारा गुरु बन के बैठ जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसलिए सिर पर कोई गॉडफादर होना चाहिए, नहीं होगा गॉडफादर तो आपको किसी का भय नहीं होगा, और जब किसी को भय नहीं होता तो वो जीव निर्भय पापी बन जाता है, निर्भयता से पाप होता है। इसलिए बहुत सोचना चाहिए, ये काल बड़ा खतरेल काल है भाई साहब, ये अध्यात्म वगैरह पचाने के लिए भी बहुत बैलेंस चाहिए, नहीं तो अध्यात्म सिर पर चढ़ गया और बैलेंस नहीं रहा तो देव सदगुरु की प्रार्थना चालू हो जाएगी। और मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता, गुरुदेव श्री से किसने प्रश्न किया ज्ञान गोष्ठी के अंदर में कि आप सबको इतना हे कहते हो तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किसके पास उठेंगे बैठेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि प्रवृत्ति इतनी जल्दी नहीं छूटती, प्रवृत्ति गुणस्थान प्रमाण चलती है। जो सबको हे बताया तो आपका अभिप्राय ठीक करने के लिए बताया गया, प्रवृत्ति तो छठे सातवें गुणस्थान तक, जब तक आपकी श्रेणी का काम चालू नहीं होगा तब तक प्रवृत्ति में शुभ और शुद्ध दोनों चलते रहेंगे। ठीक है, देखो आगे पढ़े, अनादि संसार से लेकर अपने विरोधी संबर को जीतने से, ऐसा ही कलश लिखा है शायद 20-22 नंबर का होगा, अनादि से लेकर अब तक भोगे हुए मोह को, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा अब तो छोड़ो, ऐसी ही भाषा है। अनादि संसार से लेकर कब तक, कब तक भैया, अभी देखना ये अनादि शब्द भैया ये आश्रम है, अनादि संसार से चल रहा तो कब तक चलेगा है? देखो बिल्कुल सही कह दिया भाई ने, ये कह रहा अनंत काल तक वो चलेगा। हमने प्रश्न इसलिए पूछा था कि आपके हाथ में है, आपको कितने दिन और चलाना है, बोलो आपको और कितने दिन चलाना है। बाद में निपट लेना आप लोग, हमारे सामने तो उनको यही बोलने दो, इसी में उनकी भलाई है। देखो मैं भी आपसे एक बात कहूँ, कोई आपको तीन तमाचे लगाए तो कितनी देर तक और मारते रहना चाहिए जय कुमार जी, उसको एक भी एक्स्ट्रा बर्दाश्त नहीं है। कोई किसी को दो गाली बके बोले देख अब मत बकी हो, अब तूने गाली बकी तो फिर अब देख लेना, मतलब भैया उसको कष्ट मालूम है बर्दाश्त नहीं होता। और यहाँ अनादि संसार से आश्रव चल रहा है तो कुछ पता ही नहीं, चलने दो अभी अनंत काल तक और चलने दो। इसलिए टोडा मजीद साहब कहते कुछ भाव वासना नहीं। मैंने कल रात में जो प्रकरण लिया था ना, मुझे नहीं पता कौन आया था नहीं आया था, आप देख लेना, आप खुद भी देख लेना, जैसे हमारी तुमसे नहीं बने ना तो हम कल मंदिर आना छोड़ देंगे, हम तब भी विचार नहीं करेंगे कि हम दुखी अपने मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से हैं, हम दुखी किससे हैं इससे। तो तुम तो मुमुक्षु भी नहीं हो, तुम तो मुमुक्षु भी नहीं हो। और अभी अभी पूछेंगे तो उत्तर, ए निमित्त करता होता है कि अकर्ता, बस मुंह से बोलते रहो अकर्ता, बाकी मानते रहो करता, ये नहीं चल रहा। हमने इसलिए कल रात में प्रकरण उठाया था कि तुम कम से कम यदि इन तीन को दुख का कारण जानने लगो तो मर्यादा में आ जाओ, अभी तो बेमर्यादित पाप कर रहे हो,
यदि तुम्हें कोई दूसरा कारण दिख रहा है दुख का, तो अभी तो तुम जैन दर्शन की मर्यादा में भी नहीं आए हो। और आप देख लेना, अभी भी देखना, मैं देखता हूँ 90% आदमी फ्रस्ट्रेट है। वो फ्रस्ट्रेशन का कारण कोई ना कोई परद्रव्य है, मतलब अभी तो ये जीव पात्रता में भी नहीं आया, इसका मोह कौन दूर करेगा। देख लो, अभी अब आपसे पूछे, एक एक व्यक्ति दुखी है और दुख का कारण थर्ड पार्टी क्लेम। एक को भी दुख का कारण मिथ्या प्रज्ञा ना संयम नहीं लगता, आश्रव नहीं लगता। किसे ही पूछो, कोई ना कोई कारण दुख का कारण बताएगा। जैसे भैया अभी आप वहां रहते हो ना, विज्ञान नगर में, कहाँ रहते हो, वहीं रहते हो, तो वहां से यहाँ आने में आप लेट हो गए, तो आप क्या कारण बताओगे? वहां योग्यता नहीं, द्रव्य की आने की योग्यता नहीं, कोई स्वकाल नहीं, परिणमन की योग्यता नहीं, कुछ नहीं। सीधे एक दोष देता है पर को, ट्रैफिक। फिर तुम्हें, तुम लेट हो गए, आधे घंटे का प्रवचन निकल गया, तो तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? तो वो तकलीफ, उस तकलीफ का कारण कौन था? ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक नहीं था, तुम्हारा मोह था। तुमने प्रवचन में सुख बुद्धि रख ली, अब वो तुम्हारे प्रवचन की सुख बुद्धि पूरी नहीं हुई, तो तुम आकुलित अपने मिथ्यास से हो और दोष ट्रैफिक को दे रहे हो। इसको मालूम, टोडा मुनि साहब ने अनीति लिखा। जय कुमार साहब, एक और इसके बाद एक और समीकरण बैठा लूं, उनने यदि पर को दोष देना अनीति लिखा है और तुम पर को दोष देने के कारण मंदिर नहीं आ रहे हो, तो इससे पता चल गया तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में तो अन्याय नीति अवक्ष का त्याग होता है, मतलब जो दूसरे को दोष देता वो मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में तो अन्याय नीति अवक्ष का त्याग होता है, न्याय नीति के भोग होते हैं। और हम मिथ्यात्व का पहलवानी बता रहे हैं, मेरी तो उससे नहीं बनी, वे तो कह रही मेरी तो से बनी। उन्होंने लिखा मेरी तो से बनी, और क्या लिखा, विनय पाठ ना शायद, और इसके ताते करे मेरी तो से बनी, ताते कर पुकार, बंदो पांचो परम गुरु चौबीसों जिंदराज। कैसी गजब की पंक्तियां हैं। मैं आपसे क्या कहूं, हमने अध्यात्म अपनी प्रतीति में और दृष्टि में नहीं लगाया, प्रवृत्ति में लगाया, तो भगवान से संबंध तोड़ा। कैसी लगता होगी, मेरी तो से बनी। बाबूजी ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, हो अर्दिन साका सन्नाटा, बन में बंचारी चरते हो, तब शांति निराकुल मानस तुम। ये भाषा तो देखो भैया, हमने कहा दुनिया में हमने मराठी मानस देखे, लेकिन ये शांत निराकुल मानस कौन से होते हैं? कैसे कहां से लिखा होगा, कैसे अंदर से कैसे भाव चले होंगे, जैसे कोई भावलिंगी संत जंगल पर बैठे हो और अपने सब अपने भोजन पानी चल रहा हो, त्रियंश गति के जीवों का घास फूस अपने सन्नाटे में बैठ के, वर्दनसा का सन्नाटा, बन में बंचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम। क्या कर रहे हैं भैया बैठे बैठे, तत्वों का चिंतन। मालूम, अपन लोग तत्वों का चिंतन भी नहीं करते, ऐसी अक्रम पढ़ाई चल रही है, जहां तत्वों का चिंतन करने की, वहां ये पढ़ लिया कि चिंतन जहर है। अरे चिंतन जहर कब होता है बताओ? आपको मालूम है, बच्ची पैदा होती है, उसका घर वो नहीं जहाँ पैदा हुई है, उसका घर तो वो है जहाँ उसकी शादी होनी है, लेकिन तो अभी चिन्मय भैया आधी लाइफ उसकी उस घर में बीत जाती है। पहले की बात नहीं चल रही, 13 साल वाली, ये भैया बता रहे थे मम्मी की शादी 13 साल में हो गई थी, अब तो 33 में भी नहीं हो रही, तो आधी लाइफ उसकी यहाँ बीत गई। अब जय कुमार जी पता है, वो अपने माता पिता के घर में रह के माता पिता के घर की उपेक्षा करे ना, तो जीना मुश्किल हो जाए। क्या कह रहे भैया, जीना मुश्किल हो जाए। तो आपको अंदर में ये बात रखनी पड़ेगी, ये घर मेरा नहीं है, और पूरा सम्मान बनाकर रखना पड़ेगा। इस समय आता है ऐसे देवसाज गुरु से मेरा कुछ नहीं होगा, ये प्रतीति है। तो भाव में धर्म नहीं है, प्रतीति है, फिर भी पूरे जीवन भर तुम्हें उनके साथ विनय भक्ति व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। कैसी भक्ति होगी, लिखने वाले ने मेरी तो से बनी,
अपनी तो अपनी पत्नी से भी नहीं बन रही। कैसे ले? मेरी तो बनी। अब जब तुमसे बनी तभी तो पुकार कर रहे, और हमारे पास है कौन? हम आपके पास नहीं जाए तो कौन के पास जाए? आज मालूम इसलिए पुण्य क्षीण हो गया, तीन लोग के नाश से इसने अपना संबंध बैठाया होता तो इतना बेहसाब पुण्य बनता कि सारी प्रतिकूलता भाग जाती यहाँ से। लेकिन तुमने उनसे कट्टी कर ली और भोगों से दोस्ती कर ली तो दिन भर पुण्य क्षीण हो रहा है और नवीन पाप बन रहा है, तो एक एक घर में 12 बज रही है। मतलब बहुत गजब है। कभी आप विनय पाठ का शांति से बैठ के पाठ करो, एकदम कैसी तुम बिन मैं व्याकुल भयो, किसी पंक्ति है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। और देखना आप अन्यथा नहीं लेते, खोटा उदाहरण दूं, जैसे वो लड़का होता ना लड़की के लिए तड़पता है ना, ऐसा साधक भगवान के लिए तड़पता है। अब आप कहोगे एक तरफ दूसरे आपको कुछ नहीं करता तो तुम फिर उसके लिए क्यों तड़पते हो? जैसे तुम्हें उसमें सुख बुद्धि है ना, ऐसी हमें ऐसा लगता है कि मेरे सारे सुखों के दातार तो भगवान ही है। सुख बुद्धि नहीं कह रहा मैं, भक्ति है, ऐसी लगे भगवान। अभी कितने सुंदर भगवान है सामने, वो दोनों बाजू में जो बैठे हुए हैं विराजमान है, कौन कौन से हैं भैया? और उस तरफ दोनों आदिनाथ। आदिनाथ ही इतने सुंदर हो सकते हैं? मुझे पता नहीं, वो हमेशा मतलब हमेशा आकर्षण के विषय रहे हैं वो मेरे। मैं इसके पहले भी जब ही आया था 5-7 साल पहले, तब भी वहीं जाता था। वो इस तरफ की जो राइट साइड पर है वो तो गजब के गट्टू भगवान है, बहुत ही गजब। मतलब क्या ऐसा लगे, ऐसा पावरफुल है आत्मा, ऐसा बोलते मस्त। दुनिया की कोई दुनिया जाए भाड़ में और चिदानंद पियो आड़ में। बोलो जय कुमार जी। ये आंख, हमें अपने बड़े पंडित साहब कहते हैं कि इन नेत्रों में भगवंतों को इतना भर लो कि पाप को भरने के लिए जगह ही ना बचे। बोलो कितने प्यारे भगवान। अब एक तरफ हम ये भी कहेंगे और दूसरी तरफ अनादिकाल से आश्रय हो। लेकिन पता है आपको ये भी नहीं पता, पहले अनंतानुबंधी जाता है कि अप्रत्याख्यान जाता है। और भगवान के प्रति की प्रीति अनंतानुबंधी नहीं है, समझ में आता है? राग में एकत्व बुद्धि अनंतानुबंधी है। तो आप पहले राग में सुख बुद्धि तोड़ो, एकत्व बुद्धि तोड़ो, अहम बुद्धि तोड़ो, पहले वो जाएगा, राग नहीं चला जाएगा। और फिर आपको पता है ऐसा लिखा है 5वें 6वें 7वें गुण स्थान में, या 4थे 5वें 7वें, तो चलो ऊपर का हो गया, 5वें 4थे 5वें 6वें गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुभोपयोग लिखा लिखा है ना भैया, गुण स्थान के क्रम में बढ़ता हुआ शुभोपयोग। तो जब उसका शुभोपयोग बढ़ेगा तो देव सदगुरु अच्छे लगेंगे कि बुरे लगेंगे? आप, मैं एक उदाहरण दूं, आप नाराज जी हो ना, किससे पूछ? जयकुमार जी आपसे पूछता हूँ, आपसे हमारी जरा घनिष्ठता है, तो आप बताओ अभी शादी के पहले ससुर की महिमा ज्यादा आती कि बाद में? देखो मैंने पहले कह दिया नाराज नहीं होना, मेरा ससुर नहीं इसलिए आई डोंट नो है। सही तो कह रहे हैं आप कह नहीं रहे तो सही कह रहे हैं, बाद में आती है एक्चुअल, पहले परिचय ही नहीं होता, पहले परिचय ही नहीं होता। बाद में जब विवाह हो जाता है तो परिचय होता है पत्नी का, परिवार का, संस्कृति का, सब चीजों का। तो ऐसी मालूम भैया, जब तुम्हें सम्यक दर्शन होता है ना, मुक्ति वधु मिलती है, तब ससुर है ये हमारे देव सदगुरु, इनकी महिमा तवानी चालू होती है, उसके पहले तो महिमा भी नहीं आती। मैं देखो कल एक बात कही थी, बाबूजी गुरुदेव से मिलने गए, बहन उनने उसके पहले क्यों नहीं लिख दी पूजा? वो आए नहीं, वो बहुमान आए नहीं उस तत्व का। देखो ससुर से मिलके आए, अन्यथा नहीं लेना। ससुर मतलब जिनके निमित्त से मुक्ति वधु मिली, ऐसे श्री गुरु से मिलकर आए और परिणति में कैसा उछाला आया कि क्या क्या सुंदर वचन कॉपी में लिखित हो गए और आज दस्तावेज बन गए। वो अपने लिए तो बाबूजी वो ही है एक्चुअल। मालूम पूरी दुनिया बाबूजी को भी नहीं जानती, पूरी दुनिया तो केवल नवी किरणों की पूजा को जानती है। तो पूरी दुनिया के लिए तो बाबूजी वो पूजा हुई,
समझ में आता, इसलिए अज्ञानी क्या जाने इन्हें। मैं इससे एक बात और कहूं, बहुत त्वरित त्वरित ट्वीट आज की भाषा में कहूं तो जिन्हें देवसाध गुरु अच्छे नहीं लग रहे, मैं समझ जाए मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों को भगवान अच्छे नहीं लगते, ज्ञानियों को तो प्राण से प्यारे लगते। इसलिए जिनको ऐसा लगता ना हम बहुत आत्मा वाले हैं, तुम आत्मा वाले होते तो देवसाध गुरु तुम्हें प्राणों से प्रिय लगते, क्योंकि आत्मा में रमने का अर्थ ही होता है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। और तुम्हें यदि वो अच्छे नहीं लग रहा है मतलब तुम झूठ मूठ बोल रहे हो, तुम्हें आत्मा भी अच्छी नहीं लग रही है। बोलो चेतन शादी हो गई, घोड़े में बैठे थे कि नहीं है? है तो उसको तो बताने दो, बहुत प्रेयर हमें साक्षी से नहीं पूछना है, विटनेस से पूछना है, उसी से जो विटनेस बॉक्स के अंदर खड़ा उसी से पूछना है। आप साक्षी बन के मत बताओ, आपको पता है अकेले साक्षी की तरफ से उत्तर देने को भी यहाँ सम्यक ज्ञान नहीं कहा। यदि तुम देवसाध गुरु की तरफ से जिनवाणी सुना रहे हो तो सम्यक ज्ञान नहीं है, अपनी तरफ से सुना, अन्यथा नहीं लेना, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं। अब बोलो तुम बैठे थे घोड़े पे है? बैठा था ना, घोड़े पे तो बैठेगा, घोड़े पे बैठे बिना आज तक कोई गधा नहीं बना देखो मैं थोड़े सफेद कपड़ा वाला हूँ तो ये सब भी मजे ले लेता, मैं सफेद कपड़ा वाला नहीं होता चिदानंद भैया, तुम सफेद कपड़े वाले नहीं होते तो अपन भी उन्हीं जमात में शामिल हो जाते। मुझे मानो क्या कहना है, जिस व्यक्ति को स्त्री के प्रति प्रेम होता है ना उसे घोड़े में बैठने का चाव रहता अंदर से, मेरा वो दिन कब आएगा। और कोई घोड़े में नहीं बैठना चाहे तो जय कुमार जी क्या पता चला कि विवाह का प्रेम ही नहीं है। ऐसे जिसको भगवान अच्छे लगते हैं ना वो समझ जाओ आत्मार्थी है, जिसको आत्मा अच्छी लगती है ना समझ जाओ उसको वो दशा जरूर अच्छी लग रही होगी, और जिसको वो दशा अच्छी नहीं लग रही समझ लो उसको आत्मा भी अच्छी नहीं लग रही है, झूठ बोल रहा है। पंडित साहब ने कई जगह बोला झूठ बोलता है, लेकिन झूठ बोलता है आता भैया। इसलिए एक तरफ आश्रव है, कब से चल रहा है, अनादिकाल से। अभी आपका बिल कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका राजस्थान बोर्ड का बिल आवे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और भैया 2 महीने से गलत रीडिंग चल रही हो तो कैसा लगे। मतलब 2000 रुपए का बिल आता हो जैसे 2 महीने का और वहां पे 2 लाख का आ जावे तो कैसा लगे भाई, ठीक कराने जाओगे कि नहीं। अब बाद में चले जाना, 11 के बाद चले जाना, छोटी दिवाली के बाद आ रही ना, छोटी दिवाली आती होगी ना 1-2 दिन में, क्या कहते हैं यहाँ पे उसको, देव उठनी 11। अभी तो सबरे देव सो रहे हैं कैसा कैसा मिथ्यात है, अभी सबरे देव सो रहे हैं जय कुमार जी, आदिनाथ से लेके महावीर स्वामी तक अभी सब 11 को जगेंगे। एक्चुअल मालूम है सबरे देव जग रहे हैं, 13 देव सो रहा है, उसे जगा ले, वो 11 के दिन नहीं जगता, वो तो जब जगे वही 11 है, नहीं तो ऐसी कितनी 11 निकल गई, तेरे अंदर का देव जगह ही नहीं आज तक। तो क्या कह रहे थे, क्या उदाहरण दे रहे थे, हम कुछ कह रहे थे, गाधा घोड़ा हो चुका अब लाइट का बिल चल रहा था, वेरी गुड। तो अब बताओ आपको लाइट का बिल सुधरवाना हो तो कितने दिन बाद सुधरवाने जाओगे, उसी दिन। तो जैसे तुम्हें लगता है ना ऐसे अनादिकाल से खेल बिगड़ा है भाई, ये कितने दिन बाद सुधारोगे। मालूम आपको एक लास्ट बात कहते, अपना टाइम तो हो गया, आपकी अभी एक वीडियो आया था 2-4 दिन पहले, शायद आपकी राजस्थान की घटना थी या आसाम तरफ कहीं की थी, एक लड़के ने लेके सारे भगवान की मुंडी तोड़ दी थी, आया था ना वीडियो, आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, एक कोई ऐसा विक्षिप्त सा लड़का था, जैन समाज का ही था शायद वो बच्चा भी, थोड़ा विक्षिप्त था तो मंदिर गया और मंदिर में एक ऐसा लकड़ी वकड़ी या ऐसा पत्थर लिया और ऐसे मारे सारे भगवानों को, तो सबके सिर फूट फूट के बिखर गए सारे भगवान, 5-7 भगवान, और एक बेदी पे नहीं
सारी वेदियों पर सूट लगाई उसने भगवान को, भैया अच्छा किया कि बुरा? आपको ऐसे रंज हो रहा है ना, गलत किया, तीन लोग के नाथ का सिर फोड़ दिया, ऐसे मुझे रंज हो रहा है, आश्रव देखो तुम्हें सिर फोड़ रहा है, समझ में आता है? वो भगवान प्रतिष्ठित भगवान दिखते हैं तो उनकी टूट फूट में विराधना दिखती है, और जो रोज आश्रव उत्पन्न होकर तेरे अंदर बैठे हुए भगवान की सिर फोड़ने में लगा है, ये विराधना विराधना ही नहीं लग रही है। अब पता है जैसे उस पर आपको गुस्सा आती है ना, ऐसी गुस्सा आश्रव पे आने लगे तो समझना तुम्हारे दिन फिरने वाली, कहाँ लग रहा है कौन सी? अभी आप यहां से जाओगे तो विराधना करने जा रहे घर में, क्या आराधना इतनी खुशी से? अभी चिन्ना भैया कोई नीचे आ रहा हो, क्यों कहाँ जा रहे हो? कि विराधना करने जा रहा हूं भगवान के, तो घुसने दोगे? मैं ऊपर छत पे गया कल शाम को तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ आगे जाने की, क्योंकि नीचे बेदी है ना, यहाँ जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ी क्योंकि ऊपर कुछ ऐसा बना नहीं है ना भैया, ऊपर बनना चाहिए वैसे शिखर विखर थोड़ा सा, या नहीं तो आप जहाँ बेदियां हो ना उसके ऊपर कुछ ईंट वगैरह रख के उस जगह को आरक्षित कर दो ताकि कोई वहां पे गलती से भी नहीं जाए, इन अ सेंस बंदर भी नहीं कूदे क्योंकि तीन लोग के नाथ बैठे हैं, तो देखो अपन को ऐसा लगता हमसे विराधना ना हो जाए तो हम वहां नहीं जाते, और यहाँ पे घर जा रहे हो अभी विराधना होगी तभी घर जा रहे हैं खुशी से, बोलो दुकान में आराधना होगी कि विराधना? फिर भी दुकान जाओगे आज जी, ऐसी भाववासना कराना चाह रहे अमृतचंद्राचार्य, जैसे तुम्हें देव की विराधना विराधना लगती है ऐसी आश्रम में गाय की विराधना होती है, संबर की विराधना होती है, यदि ऐसा लगने लगे तो इस जीव को संबर की भूख जग जाए, और संबर की भूख जग जाए तो इसको संबर भी हो जाए, क्योंकि इसको जिसकी भूख लगती है वो इसे प्राप्त करे बिना नहीं रहता, तो जिस दिन उसको संबर की भूख जग जाएगी उस दिन उसको संबर की प्राप्ति की लगन लग जाएगी, और ऐसे संबर की प्राप्ति की लगन लगाने के लिए ही यहाँ पर संबर अधिकार श्री गुरु ने लिखा है। अभी इसकी और विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी का समय हो गया। ओम नमः शिवाय।